बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 31, दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो सीक्वेंसेस की हम बात जो है काफी दफा कर चुके हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हमने कैलकुलस में भी देखा है। वहां पे हम क्या करते थे कि हमारी जो लिमिट होती थी उसे हम अप्रोच करवा देते थे इन्फिनिटी को, और अगर हमारे पास फिर आंसर जो है वो एक नंबर आ जाता था तो फिर हम कहते थे कि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट पे जो हमारे पास आंसर आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को टोपोलॉजी की लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ टोपोलॉजी। लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एक्स हमारे पास एक सेट है और टॉप पे टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। देन ये सीक्वेंस जो है x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन जो है सबसेट है x का, बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन x। देन दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ना xn, कन्वर्जेस टू अ पॉइंट x बिलोंग्स टू कैपिटल x इफ फॉर एवरी ux, यानी कोई भी एक पॉइंट है x है, ठीक है x का, ये जो सीक्वेंस है ये उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा अगर हमें एक हर ओपन सेट के लिए जिसमें एक्स मौजूद है, ठीक है, हर ओपन सेट कंटेनिंग एक्स जो है हमें एक ऐसा नंबर कैपिटल एन मिल जाए जो कि एक नेचुरल नंबर हो, के सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन द पॉइंट्स एक्स एन बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल या ओपन सेट। क्या बात हमने की है कि कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, वो एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। हम कह रहे हैं पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट के लिए हमें एक ऐसा नंबर एन मिल जाए कि जिसके बाद आने वाले सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो उसी ओपन सेट में बिलोंग करें, ठीक है। ये जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके जी, इफ दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स देन वी से दैट एक्स इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। अगर वो उस पॉइंट को कन्वर्ज करे इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है उसका लिमिट पॉइंट है। एंड इट इज रिटन एज लिमिट एन एक्स एन इक्वल टू एक्स और एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स, जो सीक्वेंस एक्स एन है ये अप्रोच कर रहा है एक्स को। ओके जी, हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द रियल लाइन आर विद यूएल टोपोलॉजी, ठीक है। यूएल टोपोलॉजी है मींस हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं, ठीक है। लेट दिस अ कांस्टेंट सीक्वेंस हमने लिया है, ठीक है, 1 1 1 1 1 जो कांस्टेंट सीक्वेंस आ गया। हमें पता है, हम कैलकुलस में ये पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है वो ऑलवेज कन्वर्ज करता है, ठीक है, हमेशा कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज किसको करता है, उस पॉइंट को जिस पे वो डिफाइन किया गया। यहाँ पे आप देखिए सीक्वेंस में 1 1 है, इट मींस कि ये 1 को कन्वर्ज कर रहे हैं। अब हम इसे अगर टोपोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो फिर ये 1 को क्यों कन्वर्ज कर रहा है, देखिए ना, हमने अभी अभी क्या बात की कि हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए जिसमें पॉइंट मौजूद हो कि उसके बाद आने वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास उसी ओपन सेट में बिलोंग करें। यहाँ पे अब हमारे पास यूएल टोपोलॉजी है मींस हमारे पास ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब अगर हम रियल लाइन पे जाएं तो ये रियल लाइन होगी, इसके सारे पॉइंट्स 1 1 1 है, मतलब 1 को कंटेन करने वाला मैं कोई भी ओपन इंटरवल ले लूं तो उसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी इसी सीक्वेंस में बिलोंग करेंगे क्योंकि हमारे पास है ही वो 1, ठीक है। तो मींस कि ये हमारे पास डेफिनेशन है उस कन्वर्जेंस की इन द लैंग्वेज ऑफ टोपोलॉजी, ये उसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो कैपिटल एन है, मतलब इसके बाद आने वाली सारी टर्म्स जो है वो भी उसी सेट में बिलोंग करनी है, वो भी 1 है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कैपिटल एन 1 है, इसके बाद आने वाली भी सारी टर्म्स जो है इसी सीक्वेंस में बिलोंग कर रही है, मतलब इसके बाद आने वाली सारी टर्म्स भी 1 ही है ना, तो वो इसी सीक्वेंस में बिलोंग कर रही है ना, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है। इट मीन्स कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज किसे कर रहा है, 1 को। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि कोई भी हमारे पास सीक्वेंस हो ना, उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो जैसे हम कैलकुलस में, अगर वो कैलकुलस की लैंग्वेज में अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो टोपोलॉजी की लैंग्वेज में भी वो कन्वर्ज ही करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक माइनर सा जो है वो डिफरेंस भी है, वो हम आगे जाकर बात करेंगे। ओके जी, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कंसीडर रियल लाइन आर, आर ही हमने लिया है और यूएल टोपोलॉजी ली है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, सीक्वेंस अपना चेंज कर लिया। सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी चलता जा रहा है। अब ये सीक्वेंस जो है ये किसी एक पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो कन्वर्ज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कन्वर्ज कर रहा, क्योंकि अगर हम टोपोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें, रियल लाइन है, रियल लाइन पे जी हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया, चले जी कंटेन कर लिया हमने जी 2 और 3 का हमने ओपन इंटरवल ले लिया। अब यहाँ पे हम एक कैपिटल एन फाइंड कर लेते हैं जी, 3 हमने ले लिया कैपिटल एन, तो उसके बाद आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, 4 5 6 7 8, वो तो उस ओपन इंटरवल को बिलोंग ही नहीं कर रहे, ठीक है,
इट मीन्स कि ये सीक्वेंस जो है ये टोपोलॉजी की लैंग्वेज को, टोपोलॉजी की डेफिनेशन को जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और अगर हम कैलकुलस में बात करें तो तब भी हमें एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलता कि जिसको हम बोल सकें कि ये जो इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि किसी एक पॉइंट को अप्रोच ही नहीं कर रहा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या कि चलता ही जा रहा है, तो ये एक पॉइंट हमें नहीं मिल रहा कि हम कह सकें कि ये जो सीक्वेंस है उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक नंबर 32 है, इसमें भी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल 1 है हमारे पास कि कंसीडर द रियल लाइन आर विद यूएल टोपोलॉजी। ठीक है, यूएल टोपोलॉजी हमने ली है और रियल लाइन ली है। अब यहाँ पे हमने सीक्वेंस क्या रखा है, 1/n। ठीक है, अब हम जब कैलकुलस में बात करते थे, हमें पता है कि कैलकुलस में हमने इसकी लिमिट भी फाइंड की हुई है, दैट इज कि हमने एन को अप्रोच करवा दिया था इन्फिनिटी को, 1/∞=0। तो हमने कहा जी कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज किसे कर रहा है, जीरो को कर रहा है। ठीक है, अब ये तो जाहिर सी बात है, मतलब हमें ये कंफर्म है कि ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन अब हमने बात किसमें करनी है, हमने टोपोलॉजी की लैंग्वेज में करनी है। और टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये शो करना है कि ये जो जीरो है ना ऑन द रियल लाइन आर, ठीक है, कि सच दैट फॉर दैट पॉइंट जीरो फॉर एवरी ओपन सेट कंटेनिंग जीरो, कोई भी हम ओपन सेट ले लें जो जीरो को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो कैपिटल एन के लिए एक हमें एन मिल जाएगा, मतलब एक कैपिटल एन मिल जाएगा कि उसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो भी उसी ओपन सेट में कंटेन करेंगी। ठीक है, तो ये देखिए अभी सीक्वेंस है हमारे पास क्या, 1/n मींस कि हमारे पास 1/, ठीक है, 1 है, फिर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, जब और सोन चलता जा रहा है। अब अगर हम रियल लाइन पे इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास जी जीरो है पॉइंट, ठीक है, ये जी पॉइंट जीरो है, एक मिनट, ये देखिए हमारे पास नंबर लाइन है जी, ठीक है, रियल लाइन है, देखिए ये पॉइंट जीरो है हमारे पास, और ये हमारे पास 1 है, फिर 1/2 यहाँ पे आ गया, 1/3 आ गया, 1/4, मतलब इसी इंटरवल में हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम क्या करें, एक ओपन सेट ले लें कंटेनिंग जीरो, ठीक है, जीरो को कंटेन करने वाला जी हमने ओपन सेट ले लिया। ओपन सेट हमने कौन सा लिया जी, ये वाला ले लिया के जी, ये वाला हम ओपन सेट अगर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ओपन सेट। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें कैपिटल एन, हम ये वाला चूज कर लें, ठीक है, कैपिटल एन हमें मिल गया कि इसके बाद आने वाली जो इन्फिनिट टर्म्स होंगी वो भी इसी सीक्वेंस में बिलोंग कर रही है। ठीक है, मतलब ये देखिए ना, ये हमने एक ओपन इंटरवल कंसीडर कर लिया और ये हमारे पास आ गया। अब हम एक और अगर ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जी ओपन इंटरवल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा भी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने जी ओपन इंटरवल ले लिया एक जो कि जीरो कंटेन कर रहा है। अब इसमें इस पॉइंट के बाद भी आने वाली जो इन्फिनिट टर्म्स होंगी, बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो भी इसी इंटरवल को बिलोंग कर रही है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे टोपोलॉजी को जो डेफिनेशन है टोपोलॉजी की लैंग्वेज में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। क्या डेफिनेशन है कि जी हमारे पास रियल लाइन आर पे पॉइंट जीरो है, क्योंकि हमने कहा है कि जो सीक्वेंस जो है ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन्स कि जितने भी ओपन सेट हम लें जीरो को कंटेन करते हुए, तो वहां पे कैपिटल एन होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एन सच दैट कि फॉर एवरी, मतलब उस कैपिटल एन के बाद वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी उसी सीक्वेंस में ही, सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स होंगी ना वो उसी ओपन सेट में बिलोंग करेंगी, उसी ओपन सेट में कंटेन करेंगी। ठीक है, ये हमने देख लिया रियल लाइन पे, ये वाकई में कंटेन कर रहा है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस कि जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है एंड कन्वर्जेस टू जीरो। अच्छा, ये वाली जो है ना कि ये सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है और ये डाइवर्ज कर रहा है या नहीं, ये एज एन एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आपने याद रखना है। ओके जी, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, लेट एक्स बी एन इनडिस्क्रीट स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस है मींस कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की गई, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज एम्प्टी सेट एंड द कंप्लीट सेट इटसेल्फ एक्स। ठीक है, ओके जी, और उसके बाद हमने जी सीक्वेंस लिया है एक्स एन, दैट इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन एक्स, लेट वाई बी अ पॉइंट इन कैपिटल एक्स। ठीक है, एक्स में हमने एक पॉइंट लिया वाई। अब हमने कुछ चीजें नोट करनी है, क्या है कि देयर इज ओनली वन ओपन सेट कंटेनिंग y, that is x itself, ठीक है? अब हमने टोपोलॉजी कौन सी ली हुई है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ली हुई है। ठीक है, उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, एम्प्टी सेट है और एक कंप्लीट सेट इटसेल्फ है। ठीक है, अब अगर हम कोई भी पॉइंट उसमें से x में से y ले लें तो उसे कंटेन करने वाला हमें एक ही ओपन सेट मिलेगा, मतलब उस टोपोलॉजी में हमें एक ही सेट मिलेगा जिसे हम ओपन सेट बोल रहे हैं, दैट इज कम्प्लीट x itself। ठीक है, वही बात उन्होंने यहाँ पे की है। देन सेकेंड इज वन इज के x contains all the terms of x है। अब वो जो x है हमारे पास, कैपिटल x सेट है हमारे पास, उसमें जो सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स मौजूद होंगी। ठीक है,
जब सारी टर्म्स मौजूद हैं, इट मीन्स के टोपोलॉजी की लैंग्वेज में जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर एक्स एन जो है मतलब जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा वाई को, कि वाई को क्या है, कोई भी पॉइंट है एक्स में, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस आ जाए तो फिर जो सीक्वेंस होगा हमारे पास वो उस एक्स के किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रिमार्क है, दैट इज इन एन इनडिस्क्रीट स्पेस एक्स एनी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस टू एनी पॉइंट इन एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे तो हमने बात कर दी कि जी मतलब कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी हम सीक्वेंस ले लें वो किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगा। हमने यहाँ पे जो हम पढ़ते आ रहे हैं कैलकुलस में हमने पढ़ा कि जी लिमिट जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। मतलब जो कन्वर्जेंट पॉइंट होता है, कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, वो यूनिक होता है। हर सीक्वेंस का अपना एक कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आके तो हमने ये बात कर दी कि जी कोई भी हम सीक्वेंस ले ले वो किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब यूनिकनेस वाली तो बात ही हमने खत्म कर दी सीरीज से। अब वो खत्म क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ठीक है। अब पहले हम बात कर रहे थे, हमने जी जब यूएल टोपोलॉजी में बात की, टोपोलॉजी हमने यूएल टोपोलॉजी ली तो फिर हमारे पास जो था वो एक यूनिक लिमिट ही आ रही थी। लेकिन यहाँ पे आके हमने अपनी टोपोलॉजी कौन सी ले ली है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले ली, ठीक है, इनडिस्क्रीट स्पेस ले ली। हमने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया तो हमारे पास जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो गई है, मतलब यूनिकनेस भी चेंज हो गई, ठीक है। यही एक डिफरेंस है हमारे पास जो लैंग्वेज इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस एंड इन द लैंग्वेज ऑफ टोपोलॉजी। ओके जी, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट स्पेस। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस आ गई है, मतलब यहाँ पे टोपोलॉजी कौन सी डिफाइन की गई है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मींस के सारे पावर सेट, मतलब पावर सेट सारे आ रहे हैं इसमें, ठीक है, इस टोपोलॉजी में। एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड अप टू सो ऑन बी अ सबसेट ऑफ एक्स, बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन एक्स। अब यहाँ पे हमें नोट क्या करना है कि देयर इज अ सिंगलटन ओपन सेट कंटेनिंग वाई, दैट इज वाई, ओके। So xn cannot converge to y unless there exists an capital N belongs to a natural number such that xn equals to y for all n greater than equal to capital N। अब यहाँ पे हमने क्या बात की है कि जी हमने हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मीन्स के कोई भी पॉइंट ले लें उसे कंटेन करने वाला हमें एक सिंगलटन सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये है कि हर ओपन इंटरवल में या हर ओपन सेट जो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि हमें कैपिटल एन मिल जाए, कि जिसके बाद आने वाली सारी टर्म्स जो है वो भी उसी इंटरवल में या उसी सेट में बिलोंग करे, ठीक है। मतलब हर सेट के लिए है, हर ओपन सेट के लिए है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट भी तो है ना, मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट चूज कर रहे हैं वाई, ठीक है, तो उसे कंटेन करने वाला एक सिंगलटन ओपन सेट भी तो हो गई, क्योंकि हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। मीन्स कि हमारे पास सारे उसके पावर सेट आ रहे हैं, तो पावर सेट में हमारे पास सिंगलटन सेट भी होते हैं, तो उस पॉइंट को कंटेन वाला करने वाला हमारे पास सिंगलटन सेट भी आ जाएगा। अब कोई भी हमारे पास सीक्वेंस हो जाए ना एक्स एन, वो उस वाई को जो है कन्वर्ज नहीं कर सकता, मतलब वो जो वाई है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, कि अनलेस तब तक नहीं हो सकता जब तक जो है हमारे पास जो सीक्वेंस आए, ठीक है, सीक्वेंस है हमारे पास ना जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसमें जो एक्स एन आई मतलब ये जो कैपिटल एन आई, उसके बाद वाली जो सारी टर्म्स हो वो कांस्टेंट हो और कांस्टेंट वो ही पॉइंट हो, मतलब वाई वाई होगा तो फिर ही वो जो हम वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस कैपिटल एन के बाद वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उस सीक्वेंस के वो उसी ओपन सेट में कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तभी कंटेन करेंगे कि अगर वो पॉइंट वही वाला हो, क्योंकि इसमें तो है ये एक पॉइंट, ठीक है, वाई है, तो अगर सीक्वेंस में कैपिटल एन के बाद जो है वो सारे पॉइंट्स वाई होंगे तो फिर ही वो इस सेट में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है तो कोई भी जो सीक्वेंस है वो तब तक किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा जब तक उस सीक्वेंस में हमारे पास कैपिटल एन के बाद मतलब कुछ खास पॉइंट्स के बाद वाली सारी वैल्यूज जो है वो कॉन्स्टेंट हो, और कॉन्स्टेंट क्या हो, वही पॉइंट हो जिसको हम कन्वर्ज करवा रहे हैं। इनडिस्क्रीट स्पेस होगी, इनडिस्क्रीट स्पेस में क्या है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होगा वो किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रीट स्पेस अगर हमारे पास हो तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी जो इन्फिनिट पार्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट वही पॉइंट होना चाहिए जिसको वो कन्वर्ज कर रहे हैं। ओके जी, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फोर है, दैट इज कंसिडर आर विद यूएल टोपोलॉजी, यूएल टोपोलॉजी और हमने रियल लाइन ली है, एंड कंसिडर सीक्वेंस। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस क्या है, -1 टू रेज टू पावर एन। अब ये सीक्वेंस किस तरह का है,
कि n अगर हमारे पास इवन नंबर है तो फिर हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा, और अगर n जो है वो ओड होगा तो वो हमारे पास माइनस 1 आएगा। मतलब कि सीक्वेंस हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। मतलब ये किसी एक पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा, कभी ये माइनस 1 की तरफ जा रहा है, कभी ये 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये सीक्वेंस जो है किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ये डाइवर्जिंग पॉइंट है, ये सीक्वेंस जो है डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम टोपोलॉजी में बात करें, टोपोलॉजी की लैंग्वेज में, तो फिर भी हम कोई भी एक ओपन इंटरवल ले ले चले जी, हम ये कंसिडर कर लेते माइनस 1 हमारे पास जो है ये जी ओपन हमारे पास लिमिट पॉइंट है, या हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है माइनस 1 को कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि माइनस 1 को कंटेन करने वाला जो हर ओपन इंटरवल है उसमें एक खास पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो भी इसी पॉइंट में इसी सेट में होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस 1 अब अगर हमने लिया, ठीक है, इसको कंटेन करने वाला हमने जी ओपन सेट ले लिया, तो ओपन ओपन इंटरवल होगा यहाँ पे, क्योंकि यूएल टोपोलॉजी है, इंटरवल्स में बात होगी, ठीक है। माइनस 1 और जी दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास 1, ठीक है। माइनस 1 और 1 का जब हमने लिया तो इस पॉइंट के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो तो इस सीक्वेंस में बिलोंग ही नहीं करेंगे, कैपिटल एन के बाद अगर हम ले इनफिनिट पार्ट्स का देखें, ठीक है। तो देखने में भी हमें पता चल रहा है कि किसी एक पॉइंट की तरफ ये जा ही नहीं रही है, ऐसे बस ऑसिलेटिंग सा सीक्वेंस है, माइनस 1 1 माइनस 1 1, तो इट मीन्स कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज नहीं करता। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, दैट इज कंसीडर आर इन पार्टीशन टोपोलॉजी। पार्टीशन टोपोलॉजी हमने डिफाइन नहीं की, हमने पढ़ी नहीं है डिटेल में, लेकिन फिर भी हम जब इसे देखेंगे तो मुश्किल नहीं है। किस तरह की टोपोलॉजी है, इसमें हमें खास एक दिया हुआ है, हमें एक सिचुएशन दी गई है, कंडीशन दी गई है, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि 4a-2 4a+2 ये हमारे पास इंटरवल है, ठीक है। अभी देखिए, एक साइड से क्लोज इंटरवल है और एक साइड से ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। वेयर a क्या है हमारे पास, a इंटीजर है, इंटीजर्स है मींस पॉजिटिव वैल्यूज भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी है और जीरो भी है, ठीक है। अभी सीक्वेंस में हमारे पास किस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं, किस तरह के आएंगे, कि जी अगर मैं a को 0 पुट कर दूं तो आ जाएगा -2 2, ठीक है, और फिर अगर हम a को 1 पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा -6 2। मतलब आप पॉइंट्स पुट करते जाए ना, a की वैल्यूज देते जाए डिफरेंट, तो आपके पास डिफरेंट जो है इसलिए सीक्वेंस बनता जाएगा। अब यहाँ पे टोपोलॉजी के एलिमेंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब कंसिडर हमने सीक्वेंस कौन सा लिया है, -1 to power n। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने सीक्वेंस अपना वही रखा है जो अभी हमने देखा एग्जांपल में, लेकिन हमने जो अपनी टोपोलॉजी है, अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लिया, ठीक है। जब हमने रखी थी यूएल टोपोलॉजी रखी थी, तब हमने देखा था कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा था। अब हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज -2 2, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करेगा, मतलब इस इंटरवल में मौजूद किसी भी पॉइंट एक्स को ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज क्यों करेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हर इंटरवल में हमारे पास ये पॉइंट्स जो है मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जी, ओपन इंटरवल हम ले लिया जी -1 और जी 1 को अगर हम ले लेते हैं, तो इसके दरमियान में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मतलब जो इसका इन्फिनिट पार्ट होगा वो भी इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये आपने अब याद रखना है कि अगर हम यूएल टोपोलॉजी ले रहे हैं तब ये सीक्वेंस जो है हमें कन्वर्ज नहीं कर रहा, डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन अगर हम पार्टीशन टोपोलॉजी ले रहे हैं तो फिर ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज किसे कर रहा है, किसी भी पॉइंट में इन ऑफ द इंटरवल -2 2, ठीक है। -2 इस इंटरवल में इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है, मतलब 2 वाली साइड से ये ओपन इंटरवल है। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है सारी एग्जांपल्स में, आपने ये याद रखना है कि किस टोपोलॉजी के साथ कौन सा सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है, किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। सारे आपको एज एन एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 33 है, दैट इज इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट अब हमारे पास क्या होता है कि लेट एक्स टॉप योर टोपोलॉजिकल स्पेस, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका एक सबसेट है एक्स का, ठीक है। तो फिर उस ए में से, मतलब उस सबसेट में से कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग ए सच दैट, कि वो जो ओपन सेट होगा ना वो पूरे का पूरा ए में कंटेन है। मतलब हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, ए उसका सबसेट है, और ए का कोई भी पॉइंट जो है वो उसका इंटीरियर पॉइंट तब होगा अगर उस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है वो पूरे का पूरा ए में कंटेन करे। मतलब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी को कोई भी एलिमेंट हम लें तो वो उस पूरे का पूरा ए में कंटेन करे। हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1 है हमारे पास, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी एंड टॉ जो है हमारे पास वो ये है,
ठीक है, बियर टोपोलॉजी ऑफ एस, और ए हमारे पास क्या है, सबसेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, ये हमने सबसेट लिया। अब हमने चेक करना है कि कौन सा पॉइंट जो है ए का वो इंटीरियर पॉइंट है और कौन सा पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब हम बारी बारी चेक करते हैं, सबसे पहले हम जी इस ए को ले लेते हैं, ठीक है, इस ए को ले लिया। अब हमने देखना है क्या ये इंटीरियर पॉइंट है। अच्छा जी, अब हम देखना है कि कोई हमें देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, हमने ये नहीं कहा कि हर ओपन सेट जो है वो उसमें कंटेन करे, कम अज कम अगर हमें एक भी ऐसा ओपन सेट मिल जाता है ना कि जो पूरे का पूरा उसमें कंटेन कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि इसका इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन अगर हमें कोई एक भी ऐसा मिल जाता, मतलब हमें कम से कम भी एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो कि पूरे का पूरा जो है उस ए में कंटेन करे। ओके जी, अब हम ए को देख रहे हैं तो ए को कंटेन करने वाला ये हमें एक ओपन सेट मिल गया ए, जो कि पूरे का पूरा इस ए में कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हम बी को देख, इट मीन्स कि ए जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है। ओके, उसके बाद हम बी को देख लेते हैं, बी को कंटेन वाला कौन कौन से ओपन सेट है, एक ये है हमारे पास ए बी, ये पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है इस ए बी सी में, बिल्कुल करेक्ट। मीन्स कि ये जो ए बी है हमारे पास, ये भी हमारे पास में इंटीरियर पॉइंट है। अब हम सी को देख लेते हैं, सी को कंटेन करने वाले दो सेट है हमारे पास, ए सी डी और एक कंप्लीट एक्स, ठीक है। कंप्लीट एक्स जो है वो तो कंटेन ही नहीं कर रहा है इसमें, ये देखें ए बी सी डी होने चाहिए तो ये नहीं है। तो ए सी डी देखें क्या ये इसमें पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि डी नहीं है इसमें। इट मीन्स कि सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ए और बी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है ए के, वाइल C is not a interior point of A. Okay, जी next example 2 है हमारे पास, let x equals to R real line है with UDL topology और A जो है हमारे पास interval है 0, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने जी चेक किया है कि 1 over 2 जो है वो इंटीरियर पॉइंट है A का, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट क्यों है A का, क्योंकि हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया, ये अगर हम ओपन इंटरवल ले 0.3 और 0.7, ठीक है, जिसमें 1/2 जो है वो कंटेन कर, 1/2 किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है, ठीक है, तो उस इंटरवल में कंटेन कर रहा है। अब ये जो इंटरवल है ये पूरे का पूरा किसका सब्सेट है, ए का, यानी ये जो इंटरवल हमने लिया है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स के 1/2 कंटेन करने वाला हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल गया है जो कि उस ए का सब्सेट है, ठीक है। इट मीन्स के 1/2 है ये इंटीरियर पॉइंट है ए का। इसी तरह से आप और पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ए के जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करें। ओके जी, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास, हमने जी एक्स इक्वल टू आर टू ले लिया है विद यूएल टोपोलॉजी, यहाँ पे हम ओपन डिस्क की बात करेंगे, ठीक है, और ए जो है हमारे पास वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 3, ठीक है। ओपन डिस्क की हम बात करें, डिस्क क्या है हमारे पास, ये सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 3 है। अब इसमें, इस डिस्क में या इस इंटरवल में हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि इस डिस्क के अंदर अंदर होंगे, ठीक है, अंदर अंदर होंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स कि वो सारे जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे ए के। ओके जी, लेक्चर नंबर 30, टॉपिक नंबर 33 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको इसके हैंडआउट जो है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखें, नेक्स्ट टॉपिक जब करने लगे, तो पिछला जो हैंडआउट होते हैं ना, कम अज कम उन्हें देख लिया कीजिए लाजम, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो दोबारा से रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक्स को या प्रीवियस कंसेप्ट को यूज करके नेक्स्ट लेक्चर्स करने होते हैं। ओके जी, अच्छे से आप तैयारी करें, बाय हैंड करें, प्रैक्टिस करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।